एक्वारियस, ईयरली राशिफल 2020, यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। मैं सुविज्ञेंदु सुत आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी ईयरली राशिफल सीरीज में। तो चलिए आपको ज्यादा वेट न करवाते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुंभ राशि मेरी ईयरली राशिफल सीरीज की 11th वीडियो है। तो आपने अभी तक अगर बाकी 10 वीडियो नहीं देखी तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके वो वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप जो बची हुई राशि की वीडियो देखना चाहते हैं या मेरी बाकी आने वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो जो नीचे बेल आइकन है उसे दबाएं, इसी के साथ सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर बात करें आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्लेनेटरी ट्रांजिट की, तो इस साल सैटर्न जो है शनि जनवरी से कैप्रिकॉन राशि में गोचर करेंगे, यानी कि मकर राशि में गोचर करेंगे आपकी राशि से 12th हाउस में। जुपिटर और केतु एक साथ गोचर करेंगे धनु यानी कि सेजिटेरियस राशि में आपकी राशि से 11th हाउस में। वहीं राहु गोचर करेंगे जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में आपकी राशि से 5th हाउस में। अगर आपके लिए ओवरऑल 2020 को देखें तो ये आने वाला साल आपको मिक्स रिजल्ट देगा। जैसा कि मैंने बताया शनि इस साल आपकी राशि से 12th हाउस में गोचर करेंगे यानी कि मकर राशि में गोचर करेंगे, तो इस साल से आपके ऊपर शनि की 7.5 स्टार्ट होने जा रही है, जो लाइफ में स्ट्रगल बढ़ाएगी, आपसे भाग दौड़ करवाएगी। इसी के साथ आप अपना जो भी काम करेंगे उसमें आपको इनिशियल लेवल पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, तो इसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहे और इसी के साथ नेगेटिविटी से दूर रहे, क्योंकि इस साल आपको काफी मेंटल स्ट्रेस भी फेस करना पड़ेगा। साथ ही आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये आने वाला साल आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। इसी के साथ कोई भी नया प्रोजेक्ट या नया वेंचर स्टार्ट करने से पहले अच्छे से डिसीजन ले लें, क्योंकि ये साल आपको फेवर नहीं करेगा। अगर 2020 में आपकी हेल्थ की बात करें तो ये आने वाला साल आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, जैसा कि मैंने बताया, तो इसलिए अपनी हेल्थ में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं दिखाएं और डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें। मेंटल स्ट्रेस ही मेन रीज़न होगा जो आपको हेल्थ में प्रॉब्लम्स देता रहेगा, तो जितना पॉसिबल हो सके नेगेटिविटी से दूर रहें। इसी के साथ अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपको हेल्थ में प्रॉब्लम्स भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर 2020 में आपकी फाइनेंशियल लाइफ की बात करें तो आने वाला साल आपके फाइनेंस के नज़रिए से नॉर्मल रहेगा, इनकम आपकी आती रहेगी, इसी के साथ आपके खर्चे भी बढ़ते रहेंगे, तो कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सोच समझ के करें। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया है कि ये नया साल आपका कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट या नया वेंचर स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं होगा, तो जितना पॉसिबल हो सके इसको अवॉइड करें, वरना आपको नुकसान हो सकता है। अगर 2020 में आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ को देखें तो आपके लिए आने वाला साल नॉर्मल रहेगा, यानी कि अच्छा रहेगा। पिछले काफ़ी टाइम से अगर आप रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट्स फेस कर रहे थे तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, आपके अपने पार्टनर के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी, इसी के साथ अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो जाएगी। ये आने वाला साल जो काफ़ी टाइम से लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो उनके लिए अच्छा रहेगा और आपके मैरिज के भी स्ट्रॉन्ग चांसेस बनेंगे। अगर 2020 में आपकी जॉब की बात करें तो ये आने वाला साल आपकी जॉब के लिए अच्छा नहीं है, तो इसलिए आप अपनी कोई भी जॉब से रिगार्डिंग डिसीजन बहुत ही सोच समझ के लेना होगा। इसी के साथ जॉब आप नॉर्मल तरीके से करते रहे, आर्ग्यूमेंट्स बिल्कुल भी नहीं करें अपने सीनियर्स के साथ, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसी के साथ आप इस साल जॉब में काफ़ी मेंटल स्ट्रेस फेस कर सकते हैं और इसी वजह से आप जॉब चेंज करने का भी डिसीजन ले सकते हैं, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि इस साल आपको कोई भी एक्सपेक्टेड जॉब नहीं मिलेगी, तो इसलिए आप अगर जॉब चेंज करेंगे तो वो डिसीज़न भी बहुत ही सोच समझ के लें। अगर 2020 में आपकी बिजनेस की बात करें तो ये आने वाला साल आपके बिजनेस के लिए नॉर्मल रहेगा, आपको बिजनेस में
लगातार ग्रोथ मिलती रहेगी। हालांकि कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये समय ठीक नहीं है, तो इसलिए इसे अवॉइड करें। जो लोग काफी टाइम से अपने पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर के साथ आर्गुमेंट्स फेस कर रहे थे, तो उनके लिए आने वाले साल में रिलीफ मिलेगा, आपका पार्टनरशिप बिजनेस भी आगे बढ़ेगा यानी कि ग्रोथ करेगा। प्रॉफिट के नजरिए से ये आने वाला साल आपके लिए अच्छा है, आपको इस साल लगातार प्रॉफिट होते रहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए 2020 को देखें तो ये आने वाला साल आपके लिए अच्छा नहीं है, काफी हार्ड वर्क के बाद ही आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि राहु जैसा कि मैंने बताया आपकी राशि से 5th हाउस में गोचर करेंगे, जो आपको अपने टारगेट से डिस्ट्रैक्ट करेंगे और कंसंट्रेट करने में भी प्रॉब्लम देंगे। तो इसलिए किसी भी डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करें और पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें, तभी आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ये जो मैं ईयरली राशिफल बताता हूँ, ये आपकी राशि के लिए यूनिवर्सल होता है, यानी कि सभी राशियों के लिए एक जैसा होता है। ये जरूरी नहीं कि आपको ही ऐसे रिजल्ट मिलेंगे, ये आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप ही बताती है कि आपके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। तो अगर आप हमसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसी के साथ सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं आपसे फिर मिलूंगा पाइसिस ईयरली राशिफल 2020 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।